दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है वुडवर्क आर्यन में। मैं बात कर रहा हूँ आर्यन सुथारी यूट्यूब चैनल से। हाँ तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि सोफे का एल कैसे कटिंग किया जाता है, क्या माप रखना चाहिए, क्या हाइट रखनी चाहिए और क्या डेप्थ रखनी चाहिए, उसके बारे में मैं आज आपको पूरा बताने वाला हूँ। हाँ तो दोस्तों ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाँ तो आपको क्या करना है, सबसे पहले प्लाई ले लेनी है, 18 mm प्लाई में से आपको ये कटिंग करना है। ये मैंने पहले से कटिंग किया हुआ है, आपको मैं बता देता हूँ। ये मैंने पूरा कटिंग किया हुआ है, तो ये हमने यहाँ से स्लोप किया हुआ है, 1.5 inch का स्लोप दिखाया हुआ है और ऊपर से भी ये ऐसा स्लोप दिया हुआ है। बहुत सारे क्या स्ट्रेट रखते हैं और ये भी स्ट्रेट रखते हैं, कोई स्लोप नहीं करते। तो मैं आपको ये कैसे कटिंग करना है वो पूरा कटिंग करके आपको बताने वाला हूँ और माप क्या रखना है आपको बता देने वाला हूँ। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये सही ध्यान में राइट एंगल में इसको मार्जिन कर देना है। राइट एंगल में मार्जिन करने के बाद में आपको क्या करना है, यहाँ से आपको रखना है इसकी लेंथ रखनी है आपको। तो दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ से आपको 1.25 पे मार्किंग करनी है। 1.25 पे मार्किंग करके आपको राइट एंगल में मार्किंग कर देना है। आपको क्या करना है, 7.5 inch करना है, फिर 12 mm की प्ले लगेगी तो आपका 8 inch हो जाएगा। और इधर से आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे क्या करना है, 6 inch का मार्किंग करना है ये, और प्ले लगेगी तो 6.5 हो जाएगा। तो 6 inch करने के बाद में आपको यहाँ से करना है आपको 5 inch का मार्किंग कर देना है और यहाँ से आपको 6 कर देना है। यहाँ से 6 नहीं करना है पीछे से, ये 5 inch छोड़ने के बाद में आपको 6 करना है। तो आपको क्या करना है, 6 inch पे ऐसा ये मार्किंग कर देना है क्रॉस पीछे से। 5 inch करने के बाद में आपको यहाँ से 6 इंच करना है, यहाँ से 6 इंच करना है पीछे से 5 inch करने के बाद में। फिर आपको क्या करना है, यहाँ से फिर से 5 इंच करना है, यहाँ से भी आपको कर देना है 5 इंच। तो आपको क्या करना है, ये राइट एंगल में मार्क कर देना है ये, और ऊपर से आपका क्या, नीचे से ज़मीन से आपको हाइट रखनी है 27। तो आपको क्या करना है, 1.25 पे मार्क कर देना है। 1.25 पे मार्किंग करने के बाद आपको ये 1.25 पे मार्किंग किया आपने, फिर यहाँ से आपको क्या करना है, 1.5 inch कर देना है, ये 1.5 inch मार्क कर देना है। 1 inch 5 डोरा करना है, सॉरी आप 27 रखोगे तो 1.5 करना है और यहाँ से आपको 1 inch 5 डोरा कर देना है। फिर आपको क्या करना है, राइट एंगल में मार्क कर देना है। मार्क करने के बाद ये इसका क्रॉस मिला देना है जी। ये आपका एल पूरा एल बन गया, आप देख सकते हो। इस एल बनने के बाद में आपको क्या करना है, फिर इसको कटिंग कर लेना है। कटिंग मैं आपको कटिंग करके ही बता ही देता हूँ। ये जो बार बार आप टेप से मार्किंग करना पड़ता है ऐसे, वो भी मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, उसको आपको बार बार मार्किंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको रखना है और डायरेक्टली काट देना है। ये हर बार जो भी कटिंग करनी है मेरे को मार्किंग करना पड़ रहा है, आप देख सकते हो जो भी कटिंग करनी पड़ती है वो मेरे को मार्किंग करना पड़ रहा है। तो मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे आपको मार्किंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बार बार आपको मार्किंग नहीं करना पड़ेगा। ये
कटिंग हो गया। इसका माप क्या रखा है आपने, मैंने पूरा बता ही दिया वीडियो में। और ये हमने जो स्लोप किया है, ये आपको अगर स्लोप नहीं करना है तो आप 1.5 इंच प्लस 7.5 इंच के यहाँ से 7.5 इंच रख के कर सकते हो। और दूसरा जो पीस लगाना है आपको यहाँ से क्रॉस 3 इंच का पट्टी हम लगा देना है। 1 इंच पांच रुपए का पट्टी ऊपर से आएगा, यानी 2.25 फुट हो जाएगा। और ऐसे में आपको पट्टा आगे से लग जाएगा ऐसे, तो ये आपका 1.5 फुट हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार आप कटिंग कर सकते हो। फिर ये एक कटिंग करने के बाद में हम आपको खाली एक को ही करना है, फिर आप इसको ऐसे सेट कर देना है। 1/8 चाक की प्लेई में से आप ऐसे 10 फर में निकाल सकते हो। कैसे एडजस्ट करना है वो आपके ऊपर है, आप देख लेना किस प्रकार से आपको सेट होता है। उस प्रकार से 4 इधर से निकलेंगे 4 उधर से निकलेंगे और 2 बीच में से निकल जाएंगे। तो यानी कि टोटल मिला के आपको ऐसे एक प्लेई में से 10 निकल जाएंगे। तो आपको 8 फुट बाई 8 फुट का सोफा बनाना है, 2 सोफे बनाना है, तो 10 L में आपका काम हो जाएगा। और ये घड़ी घड़ी जो मैं बार बार जो मैं टेप से मार्किंग कर रहा था वो आपको करने की जरूरत नहीं। जो मैं ट्रिक बताऊंगा वो ट्रिक आप यूज करना और उसको डायरेक्ट रख के आप कटिंग। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आगे से आगे ऐसे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, जय राम जी की जय भारत।